हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वोज नेम इज डील्स फॉर यू। गाइस, बात करने वाले हैं टायर डिज़ाइन मॉडिफिकेशंस के बारे में, जो कि 1 अप्रैल 2023 से सभी गाड़ियों में अनिवार्य होगा। सो फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं टायर डिज़ाइन मॉडिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी और क्या क्या इसके प्रॉफिट हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इन नए नियमों को जानते हैं और समझते हैं नया नियम क्या है। इस नियम के तहत देश भर में 1 अक्टूबर 2022 से नए डिज़ाइन के टायर मिलेंगे, वहीं 1 अप्रैल 2023 से सभी प्रकार की गाड़ियों में नए डिज़ाइन के टायर लगवाना अनिवार्य होगा। सो गाइस, अब बात करते हैं न्यू टायर डिज़ाइन मॉडिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट के बारे में, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। भारत में बिकने वाले टायर की क्वालिटी के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का नियम लागू होता है। सटीक जानकारी के अभाव में सही तरीके के टायरों का चुनाव करवाना असंभव होता है, जिसकी वजह से टायर मॉडिफिकेशंस की नीड पड़ी। टायर डिज़ाइन मॉडिफिकेशंस रूल रेटिंग सिस्टम पर बेस्ड होगा। जिस प्रकार आप फ्रिज या एसी खरीदते हैं, उस टाइम सबसे पहले आप रेटिंग सिस्टम देखते हैं, जिससे आपको बिजली की खपत और क्वालिटी के बारे में पता चलता है। ऐसे यह सिस्टम भी इसी तरीके की रेटिंग सिस्टम पर बेस्ड होगा। यह रेटिंग सिस्टम को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, C1, C2 और C3। C1 पैसेंजर कार के लिए, C2 लाइट कमर्शियल व्हीकल के लिए और C3 हैवी कमर्शियल व्हीकल के लिए डिज़ाइन किया गया टायर होगा। अब बात करते हैं न्यू टायर डिज़ाइन मॉडिफिकेशंस के प्रॉफिट्स के बारे में, और ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जो न्यू टायर डिज़ाइन मॉडिफिकेशंस को अफेक्ट करते हैं, जिससे हमको प्रॉफिट होती है। सबसे पहले बात करते हैं रोलिंग रेजिस्टेंस की। जो एनर्जी गाड़ी को पुल करने के लिए लगती है, उसे रोलिंग रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर रोलिंग रेजिस्टेंस कम होगा तो टायर में ज़्यादा ताकत नहीं लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की खपत कम होगी और माइलेज बढ़ेगा। सेकेंड वन है वेट ग्रिप। अगर सड़क गीली हो तो टायर के फिसलने का डर लगा रहता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं। न्यू टायर डिज़ाइन मॉडिफिकेशन के तहत कंपनियों को इसका ध्यान रखना होगा और इसके हिसाब से गाड़ियों के टायर का डिज़ाइन करना होगा। थर्ड वन है रोलिंग साउंड इमिशंस। इसके तहत जब गाड़ियाँ चलती है तो उनके टायरों से आवाज़ निकलने लगती है, जिसकी वजह से लोगों में कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि कहीं गाड़ी ख़राब तो नहीं हो रही है। इस तरीके की आवाज़ से रोड में नॉइज़ भी बढ़ता है, जिसको कम करने पर भी ध्यान देना होगा। सो गाइस, डिस्कस करते हैं AIS के बारे में, आखिर AIS होता क्या है और यह कैसे एक्ट करता है। AIS का फुल फॉर्म ऑटोमोटिव इंडियन स्टैंडर्ड है। देश में बनने वाले सभी प्रकार की गाड़ियों को इंडियन स्टैंडर्ड IS और ऑटोमोटिव इंडियन स्टैंडर्ड AIS के नियमों को मानना पड़ता है। गाड़ियों के डिज़ाइन, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस और रिकवरी को AIS देखता है। सो कैसा लगा हमारे यह वीडियो, प्लीज़ कीप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग डील्स फॉर यू।